मैनुअल एल्बम क्रिएशन। एल्बम के लिए पेज डिटेल्स और कवर डिफाइन कीजिए। आप एल्बम के लिए जैकेट भी डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप जैकेट डिजाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से यस सिलेक्ट कीजिए। जैकेट की विड्थ, हाइट और स्पाइन डिफाइन कीजिए। लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम मार्जिन्स डिफाइन कीजिए। स्प्लिट ऑप्शन से एल्बम जैकेट का स्प्लिटिंग प्रेफरेंस डिफाइन कीजिए। लोगो ऑप्शन से जैकेट पे लोगो इंसर्ट किया जा सकता है। रिसेट बटन से लोगो को रिसेट किया जा सकता है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको एल्बम क्रिएशन स्टाइल चूज करने के लिए कहा जाएगा। डिजाइन एल्बम विंडो में आप एल्बम के ब्लैंक पेजेस देख सकते हैं। पहले यहाँ एल्बम का कवर डिजाइन किया गया है क्योंकि मुझे वही डिजाइन एल्बम जैकेट पे भी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से नेविगेट करके एल्बम का कवर पेज ओपन किया है। एल्बम डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले आप इंटरफेस के लेआउट को अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर ले। इसके लिए या तो प्रेफरेंसेस विंडो में लेआउट टैब में लेआउट सिलेक्ट कीजिए या फिर इस प्रकार से पैनल्स को मैन्युअली ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कीजिए। अगर आप प्रेफरेंसेस में से लेआउट का चुनाव करते हैं तो किए गए चेंजेस को अप्लाई करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करना आवश्यक है। व्यू ऑप्शन से आप टैब्स को अपनी जरूरत के मुताबिक शो या हाइड कर सकते हैं। आप फुल स्क्रीन व्यू में भी आप व्यू ऑप्शन से टैब्स शो कर सकते हैं। फुल स्क्रीन व्यू में जाने के लिए इस बटन पे क्लिक करिए और व्यू बटन से इस प्रकार से टैब्स को शो या हाइड कीजिए। अब डिजाइनिंग का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले फोटो इंसर्ट कर लेते हैं। फोटो टैब में जाइए। यहाँ से ब्राउज करके फोटो फोल्डर का पाथ देकर फोटो एक्सेस कर सकते हैं। फोटो इस तरह से ओपन होंगे। फोटोज के बेहतर व्यू के लिए यहाँ से थंबनेल इंक्रीज कीजिए। सॉर्ट बाय बटन से आप फोटोज को डेट, मॉडिफाइड टाइम, नेम, साइज, टाइप, ओरिएंटेशन और उसके यूज स्टेटस के मुताबिक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। शो हाइड ग्रिड लाइंस आइकॉन से ग्रिड लाइंस को शो या हाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आप शो हाइड सेंटर लाइन ऑप्शन से सेंटर लाइन को शो या हाइड कर सकते हैं। आप पेज को जूम इन ऑप्शन से जूम इन कर सकते हैं या जूम आउट ऑप्शन से जूम आउट कर सकते हैं। फोटो पे डबल क्लिक करके उसे इंसर्ट कीजिए। बैकग्राउंड इंसर्ट करने के लिए बैकग्राउंड टैब में जाइए। आप लेफ्ट या राइट पेज पे या दोनों पेज पे एक साथ बैकग्राउंड इंसर्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड इंसर्ट करने के लिए पेज का प्रेफरेंस इन, लेफ्ट, लेफ्ट राइट और राइट आइकॉन से डिफाइन कीजिए। यहाँ पर लेफ्ट राइट ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है। एल्बम एक्सप्रेस में बैकग्राउंड की इनोवेटिव कलेक्शन दी गई है जिन्हें उनके स्टाइल के मुताबिक कुछ कैटेगरीज में सॉर्ट किया गया है। आप कैटेगरीज पे क्लिक करके बैकग्राउंड को देख सकते हैं। यहाँ से ब्राउज करके आप आपके बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर सकते हैं। मनचाहे बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करके उसे इंसर्ट कीजिए। अगर आप बैकग्राउंड को कैनवास एरिया पे एक्सपांड करना चाहते हैं तो फिट टू साइज चेकबॉक्स को अनचेक कीजिए। सिलेक्ट किए हुए बैकग्राउंड की 18 रेडी टोन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। कलर पिकर से या कलर पैलेट से आप पेज के बैकग्राउंड के लिए कोई भी प्लेन कलर चूज कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो पहले पेज साइड को सिलेक्ट कीजिए और रिमूव ऑप्शन से पेज के बैकग्राउंड को रिमूव कीजिए। रूलर पे क्लिक करके गाइडलाइन इंसर्ट कीजिए। गाइडलाइन को लेफ्ट क्लिक के सहारे ड्रैग कीजिए और पेज पे जरूरत के मुताबिक प्लेस कीजिए। फोटो को अनलॉक कीजिए और रिसाइज कीजिए। फोटो को पेज पे रूलर के सहायता से प्लेस कीजिए। माउस को स्क्रॉल करके फोटो को जूम इन कीजिए और इस तरह से पैन कीजिए। गाइडलाइन को सिलेक्ट करके डिलीट बटन से डिलीट किया जा सकता है। बॉर्डर टैब में आपको कई टाइप्स के बॉर्डर्स दिए गए हैं। मनचाही बॉर्डर कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। ब्राउज करके आप आपकी खुद की बॉर्डर्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फोटो को सिलेक्ट करके उस पे बॉर्डर अप्लाई कीजिए। रेडी टोन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको इंसर्ट किए हुए बॉर्डर की 18 रेडी टोन्स दिखाई देंगी। मनचाही रेडी टोन अप्लाई कीजिए। रिसेट बटन से रेडी टोन रिसेट कीजिए।
अगर आप बॉर्डर को रोटेट करना चाहे तो 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री बटन्स यूज कीजिए। आप बॉर्डर्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप भी कर सकते हैं। रिसेट बटन से बॉर्डर को रिमूव भी कर सकते हैं। टाइटल टैब से टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं। टाइटल को आप पेज पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप टाइटल का फॉन्ट टाइप और साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप टाइटल को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से टाइटल को लेफ्ट, सेंटर या राइट में अलाइन कर सकते हैं। आप टाइटल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कलर पैलेट से कलर सिलेक्ट कीजिए। टाइटल को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिजिफ्लिक द्वारा दिए गए रेडी टू यूज प्रीसेट्स का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ प्रीसेट पर डबल क्लिक करना है। आपके द्वारा बनाया गया कोई भी टाइटल का प्रीसेट आप सेव भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइटल को सिलेक्ट कीजिए और सेव बटन से टाइटल प्रीसेट को सेव कीजिए। कोई भी अनवांटेड टाइटल प्रीसेट आप डिलीट ऑप्शन से डिलीट भी कर सकते हैं। कलर पिकर से आप स्क्रीन में से कोई भी कलर चुन के टाइटल को दे सकते हैं। टाइटल और फोटो को सिलेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्ट बेस अलाइनमेंट टैब में जाइए। इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए कई ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ हम हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आप पेज बेस्ड अलाइनमेंट टैब के ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप टेक्स्ट टैब से पेज पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। शेप टैब से आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग तरह के सिंपल और डिजाइनर शेप्स दिखाई देंगे। जूम इन जूम आउट बटन से आप शेप की थंबनेल बढ़ा या घटा सकते हैं। शेप पे डबल क्लिक करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसे पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। शेप को पेज पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और उसे रिसाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज ऑप्शन से आप शेप में कलर फिल कर सकते हैं। शेप में कलर फिल करने के लिए फिल शेप चेकबॉक्स को चेक कीजिए। कलर पिकर से आप पूरे स्क्रीन में से कोई भी कलर सिलेक्ट करके उसे शेप में फिल कर सकते हैं, या फिर कलर पैलेट से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर शेप की ओपेसिटी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फोटो को शेप पे प्लेस करने के लिए फोटो टैब में जाइए और फोटोज पे डबल क्लिक करके उसे पेज पे इंसर्ट कीजिए। फोटो को शेप पे इस प्रकार से प्लेस कीजिए। फोटो को इस तरह से रिसाइज कीजिए। आप दो और फोटोज को इंसर्ट कीजिए। आप तीनों फोटोज को सिलेक्ट कीजिए और इक्वल साइज टैब में जाइए। इसमें आपको इक्वल विड्थ, हाइट और साइज के ऑप्शंस मिलेंगे। इस तरह से आप कोई भी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को इक्वलाइज कर सकते हैं। फोटो को इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए। अब तीनों फोटोज को फिर से सिलेक्ट कीजिए और इक्वल स्पेसिंग टैब में जाइए और हॉरिजॉन्टल इक्वल स्पेसिंग ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इस तरीके से आप वर्टिकल इक्वल स्पेसिंग ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। आप इस प्रकार से दो फोटोज को सिलेक्ट करके इस स्वैप आइकॉन से फोटोज को स्वैप भी कर सकते हैं। इफेक्ट्स टैब में से आप फोटो पे इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट्स टैब में आपको कलराइज, ब्लर, ओपेसिटी, फेदर, शैडो, ग्लो, आउटलाइन, रोटेशन, प्रीसेट्स और ब्लेंड ये ऑप्शंस मिलेंगे। ब्लेंड ऑप्शन में आपको नॉर्मल, मल्टीप्लाई, ओवरले, कलर डॉज, सॉफ्ट लाइट जैसे ब्लेंडिंग मोड्स मिलेंगे। फोटो को सिलेक्ट कीजिए और कलराइज ऑप्शन से फोटो को कलराइज इफेक्ट दीजिए। कस्टम ऑप्शन से इफेक्ट को कस्टमाइज कीजिए। किए हुए कस्टमाइजेशन को आप सेव बटन से सेव भी कर सकते हैं। प्रीसेट इस तरह से सेव हो जाएगा। डिलीट ऑप्शन से आप कोई भी अनवांटेड लेयर डिलीट भी कर सकते हैं। रिसेट आइकॉन से आप कोई भी इफेक्ट को रिसेट कर सकते हैं। अब फोटो पे आउटलाइन इफेक्ट दीजिए। फोटो पे राइट क्लिक कीजिए और कॉपी इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके इफेक्ट कॉपी कीजिए। अब यही इफेक्ट इन दो फोटोज पे अप्लाई करने के लिए फोटोज को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इफेक्ट अप्लाई हो जाएंगे। एल्बम पेजेस को और भी डेकोरेट करने के लिए क्लिप आर्ट टैब से क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको कई सुटेबल क्लिप आर्ट्स का कलेक्शन दिया गया है। क्लिप आर्ट्स के थीम के मुताबिक
उनको कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। अपनी मनचाही कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। ब्राउज करके आप आपकी खुद की क्लिप आर्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट्स पे डबल क्लिक करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज पे इंसर्ट कीजिए। डिजाइन के मुताबिक आप क्लिप आर्ट को रिसाइज करके पेज पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। रेडी टोन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इंसर्ट किए हुए हर क्लिप आर्ट के लिए एल्बम एक्सप्रेस 18 रेडी टोन्स जनरेट करता है। मनचाही रेडी टोन पे डबल क्लिक करके उसे इंसर्ट किया जा सकता है। रिसेट बटन से रेडी टोन को रिसेट कीजिए। आपका पेज इस तरह से डिजाइन हो चुका है। अब कवर पेज के सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करते हैं। पहले सारे ऑब्जेक्ट्स को Ctrl+A प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं। अब सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस कीजिए। सारे ऑब्जेक्ट्स कॉपी हो जाएंगे। अब नेविगेट करके जैकेट पेज को ओपन कीजिए और कॉपी किए हुए ऑब्जेक्ट्स को Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कीजिए। यहाँ बैकग्राउंड टैब से कवर पेज जैसा बैकग्राउंड ऐड किया गया है। अगर आप चाहे तो जैकेट को अलग तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं।